नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और साल खत्म होते होते सरकार एक खुशखबरी ले आई है, और खास तौर पर यह खुशखबरी किन लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपना पैसा ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां कोई जोखिम ना हो, कोई डर ना हो, कोई फिक्र ना हो, यानी सरकार की लघु बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। सरकार ने अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अभी तक ब्याज दरें बढ़ने की खबर जब भी जहां से भी आ रही थी वो कर्ज के ब्याज की खबर थी। ज़्यादातर लोग परेशान थे, ईएमआई बढ़ रही है, कर्जा महंगा हो रहा है, ये है वो है। लेकिन ये जो खबर है, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जब सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर स्मॉल सेविंग्स पे ब्याज दर बढ़ाई है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सरकार की लघु बचत योजनाएं हैं, एक जो मैंने बताया वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं जिनको डर लगता है कहीं और पैसा लगाने से, यानी जैसे जो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते हैं, प्राइवेट कंपनियों के शेयर नहीं खरीदते हैं, उनकी एफडी में या डिबेंचर में भी पैसा लगाने से कतराते हैं, तो वो सरकारी स्कीम्स में लगाते हैं। ये स्कीम्स क्या हैं? एनएससी है, नेशनल सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इनमें जब ये ब्याज बढ़ता है तो इसमें वो लोग पैसा लगाना, खास तो जो रिटायर्ड लोगों का बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है, गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग इनमें पैसा जमा करते हैं। तो इनमें 1 जनवरी से यानी नया साल शुरू होने के साथ रेट बदल जाएगा, और ये रेट 0.2% से लेके 1.1% तक बढ़ाया गया है। और अब जो नए रेट हैं, जो आज बयान आया है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से 4% से लेके 7.6% तक इसमें बताया गया है कि ये बढ़ होगा। और ये क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में सब तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट यहाँ भी बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ ये एक जगह जो फिक्र की बात है, बहुत सारे लोग पैसा टैक्स बचाने के लिए वहाँ लगाते हैं और बड़ा लंबा पैसा लगाते हैं, 15 साल तक का अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको नहीं छुआ गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और साथ में गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, जो बच्चियों के नाम पे पैसा जमा करें आप और उसके बाद जब वो बड़ी होती हैं तो उसमें आपको रिटर्न मिलता है, उस पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अब 7% का इंटरेस्ट रेट उसमें पहली तारीख से मिलेगा, अभी 6.8% है। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये ध्यान रखिए, वहां 7.6% था, वो अब 8% हो गया है। तो बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है, 8% का इंटरेस्ट रेट आज के माहौल में कहीं से मिल रहा है तो वो यकीनन अच्छी खबर मानी जाएगी। मंथली इनकम स्कीम में 7.1% का इंटरेस्ट आएगा। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर जो 1 से 5 साल का उनका टेन्योर है, करीब करीब 1.1% सभी में बढ़ा दिया गया है। और ये जो योजनाएं हैं इनसे कितना पैसा सरकार के पास आता है, ये अगर आप देखें तो आप इससे समझेंगे कि सरकार क्यों इसकी फिक्र करती है, क्या वजह है इसमें। लगभग 10% जो बचत होती है, ऐसी बचत इससे सरकार के खजाने में जो पैसा आता है, ये लगभग 10% इससे जमा हो जाता है। और ये वजह है कि केंद्र सरकार इस स्कीम पर इतना ध्यान दे रही है। जो इस वक्त की चिंता क्या है? इस वक्त की चिंता है कि तमाम चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। लगातार दूसरे हफ्ते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी कमी आई है, कमी आ रही है पिछले दिनों, हालांकि ऐसी चिंताजनक कमी नहीं है जैसी 1991 में आई थी जब हफ्ते भर का फॉरेन रिजर्व रह गया था। अभी बहुत समय का पैसा सरकार के पास या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। इसके बावजूद ये प्रयास करना, और ये इससे एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, उनको पैसा, उन पे ब्याज अच्छा मिलेगा, और सरकार के पास ये पैसा जो आता है ये बहुत महत्वपूर्ण पैसा है, जो छोटी बचत का पैसा है, ये सरकारी खजाने को सहारा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। बस जिसका मैंने जिक्र किया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उस पे ध्यान देने की जरूरत इसलिए है कि ऐसा लग रहा है पिछले कुछ सालों से कि सरकार की नजर में खटक रहा है पीपीएफ किसी ना किसी तरह से। वजह क्या है? पीपीएफ एक स्कीम है जो ईईई है,
जिसमें एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट है। जिस वक्त आप पैसा लगाते हैं, जिस समय आप अपनी कमाई में से पैसा इसमें जमा करते हैं, तब वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। उतना पैसा जो लिमिट तय है 1.5 लाख रुपए की, पहले 1 लाख थी, अब 1.5 लाख हो गई है, तो उस समय 1.5 लाख रुपए आपके टैक्स फ्री हो गए। फिर पूरे टेन्योर में जितने समय भी आपका अकाउंट रहता है, आपने इस पर जितना ब्याज कमाया वो पूरा ब्याज टैक्स फ्री होता है। तो एक एग्जेम्प्ट हुआ जो आपने पैसा जमा किया वो एग्जेम्प्ट हुआ, दूसरा एग्जेम्प्ट हुआ जो ब्याज आपने कमाया वो एग्जेम्प्ट हुआ, और तीसरा एग्जेम्प्ट आपकी जमा रकम और उस पर ब्याज कुल मिलाकर जब अंत में आप निकालते हैं, इस अकाउंट को मैच्योर होता है जब वो पैसा आप बाहर लाते हैं, उस वक्त भी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये हुआ तीसरा एग्जेम्प्ट। ये कहा जा रहा है, सरकारी हलकों में इस बात पे विचार चल रहा है बहुत समय से, कि किसी तरह इसमें से एक एग्जेम्पशन तो कम से कम आखिर वाला, नहीं तो बीच वाला, ये खत्म किया जाए। तो ये स्कीम खटक रही है, दिख रहा है इस बात से भी कि अगर आप सब चीजों पे रेट बढ़ा रहे हैं तो इस वक्त पीपीएफ पे आपने रेट क्यों नहीं बढ़ाया, ये सोचने वाला सवाल है। और पीपीएफ थोड़ा अनएट्रैक्टिव इस वजह से ही होता जा रहा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि उसके साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि अब आने वाले बजट में इस पर और रोशनी पड़ेगी, सरकार कुछ उम्मीद जताएगी उन लोगों के प्रति, उनके मन में जो पीपीएफ में पैसा लगाते हैं या लगा के बैठे हुए हैं, या सरकार वो तीसरा जो ई है उसको हटाने की कोशिश करेगी। बिजरडा में आज इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए।